Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Grade 1. And today we're back with a new chapter which is You are what you eat. आप वो हैं जो आप खाते हैं. So let's start. It is chapter 3. You are what you eat. Right kids? Okay. Food is essential for us to live, grow and survive. So, हम सभी के लिए खाना बहुत जरूरी है, essential है to live, grow and survive. Right kids? So, animals also need food just like us. So, जानवरों को यानी animals को भी humans की तरह यानी हमारी तरह ही खाने की जरूरत होती है क्योंकि उससे उन्हें energy मिलती है ताकि वो survive कर सके. Some animals eat plants and their parts like fruit, leaves, etc. So kids, कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो plants के parts को खाते हैं जैसे कि leaves को और fruits को. Right kids? Let's see the next one. Some other animals eat the flesh of other animals and yet some other animals eat both plants as well as flesh. So, kids, कुछ animals ऐसे होते हैं जो सिर्फ plants खाते हैं, right? और कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ meat और flesh खाते हैं, right? और तीसरे एक ऐसे तरह के जानवर भी होते हैं जो कि meat, flesh और उसके साथ साथ grass and vegetables and plants भी खाते हैं, right kids? So जो सिर्फ और सिर्फ plants खाते हैं वो होते हैं herbivorous animals. और second में जो animals सिर्फ और सिर्फ meat और flesh खाते हैं वो होते हैं carnivorous animals. और तीसरे तरह के जो animals होते हैं omnivorous animals जो कि सिर्फ और meat और grass दोनों चीजें खाते हैं. तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Let's start. Alright kids, यहाँ पर हमें दी गई है एक एक्टिविटी और हमें इस एक्टिविटी को पूरा करना है ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सके. So let's continue. Look at the pictures carefully and match the animals with their natural prey or food. So kids, जैसे हमारे पेट्स होते हैं उन्हें हम घर में खाने के लिए अपनी मर्जी के हिसाब से खाना देते हैं. पर कुछ एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं या हवा में उड़ते हैं या फिर पानी के नीचे रहते हैं वो भी अपने हिसाब से अपने नेचुरल प्रे यानी कि अपना शिकार करके खाते हैं या फिर अपने नेचुरल हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं. राइट किड्स? तो अब हमें यहाँ पर नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिनको हमें मिलाना है उनके करेक्ट फूड के साथ. तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं. कॉलम ए में हमें एनिमल्स गिवन है और कॉलम बी में हमें गिवन है उनके टाइप ऑफ फूड्स. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 में है ईगल. ईगल क्या खाता है? ईगल हमेशा एक ऐसा एनिमल है, एक बर्ड है जो कि कार्निवोर है. वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाता है. सो व्हाट इज द फूड ऑफ एन ईगल? इट इज मीट. Second is a panda. Panda बहुत cute animals होते हैं और वो wild animals होते हैं और वो herbivores होते हैं इसीलिए वो खाते हैं हमेशा bamboos. तो हम उनको match करेंगे panda को bamboos के साथ. Next is elephant. So kids, हाथी क्या खाते हैं? हाथी खाते हैं sugar cane यानी कि गन्ना. और गन्ना क्या है? एक plant है. तो हम उसे मैच करेंगे एलिफेंट के साथ. यानी एलिफेंट्स भी होते हैं हर्बिवोर एनिमल्स. राइट किड्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इट इज द पिक्चर ऑफ, यस, इट इज अ टाइगर. और टाइगर क्या खाता है? टाइगर खाता है एक डियर को. राइट किड्स? क्योंकि टाइगर होता है एक कार्निवोरस एनिमल. वो कभी भी ग्रास या प्लांट्स नहीं खाता. वो है एक कार्निवोरस एनिमल. तो हम उसे मैच करेंगे डियर के साथ. राइट किड्स? अब लास्ट वन है एक बेयर. सो किड्स, बेयर्स का फेवरेट फूड होता है फिश जिसको वो खुद से हंट करते हैं रिवर में से. और बेयर्स रहते हैं फॉरेस्ट में. सो बेयर इज अ कार्निवोर एनिमल और हम उसे टिक करेंगे, मैच करेंगे एक फिश के साथ। सो किड्स, हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, राइट? एंड नाउ हम पढ़ेंगे लेट मी आंसर। नंबर 1, डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पेट है? वेल, मेरे पास एक पेट डॉग है। तो आपके पास जो भी पेट है आप उसका नाम अपनी नोटबुक में लिखिए, राइट किड्स? सो सेकंड, What does your pet eat? आपका पेट क्या खाता है? Well kids, my pet eats chicken and also he eats roti means chapati, right kids? So आपका पेट जो भी खाना खाता है आप अपनी नोटबुक में write down कीजिए। Let's move forward. So here we have been provided an info bits, यानी कि ज्ञान की बात। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। The world's largest creature, the blue whale, survives on one of the smallest sea creatures, planktons, eating some of 500 quintals every day. Kids, blue whale जो कि underwater में रहता है, एक बहुत ही बड़ा एक water animal होता है जो कि बहुत छोटे से sea creatures को खाकर अपनी भूख मिटाता है, और उन sea creatures का नाम है planktons। और वो एक या दो प्लैंक्टन्स नहीं खाता किड्स, वो खाता है कम से कम 500 क्विंटल्स, वो भी हर रोज। ओ माय गॉड, ये तो काफी ज्यादा है, राइट? बट एक ब्लू व्हेल बहुत बड़ा होता है तो उसकी साइज के हिसाब से दिस इज इनफ, राइट किड्स? सो किड्स, विद दिस हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।